कोरोना पर मुख्यमंत्रियों संग बैठक में क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी, क्या देश पर मंडरा रहा है सेकेंड पीक का खतरा और कोरोना की तेज रफ्तार के लिए आखिर कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार, इन खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 विस्फोटक कोरोना। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगर सावधानी नहीं बढ़ती तो पूरे देश में कोरोना फिर से फैल सकता है। पीएम ने कहा कि इस बार टियर 2 टियर 3 शहर ज्यादा प्रभावित हैं, लिहाजा टेस्ट ट्रैक और ट्रीट पर गंभीरता से जोर देना होगा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे शहरों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन की बर्बादी भी रोकनी होगी। पीएम ने आगाह किया कि अगर गांव तक कोरोना पहुंचा तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए दवाई और कड़ाई के मंत्र का पालन करना बेहद जरूरी है। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। मुख्यमंत्रियों संग वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की उभरती सेकेंड पीक को हमें तुरंत रोकना होगा। बैठक में महाराष्ट्र ने 35 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,903 नए केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान 188 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कुल सक्रिय मामलों में 71% हिस्सेदारी है। देश के 16 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में पालघर के एक और स्कूल में कोरोना ब्लास्ट हुआ। नंडोरे आश्रम स्कूल में 30 छात्र और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले जवाहर आश्रम स्कूल में 72 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। गुजरात में कोरोना ग्राफ में आई तेजी के बाद अहमदाबाद में सभी चिड़ियाघर, पार्क और सार्वजनिक स्थान कल से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं आज रात से 31 मार्च तक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 3 नए वेरिएंट मिले हैं। इनमें ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के कोविड स्ट्रेन शामिल हैं। फिलहाल देश में नए वेरिएंट्स के 242 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना कहर के बीच भारत में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। अब तक देश में 3,50,64,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। एक अच्छी खबर ये है कि मॉडर्ना अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी वैक्सीन का परीक्षण करने जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।